आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग टेस्ट करने वाले हैं आईफोन 13 का बैटरी बैकअप के साथ आईफोन 14 का बैटरी बैकअप, दोनों में यहाँ पे किस तरह का बैटरी में हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा वो हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं इन डिटेल। तो मैं यहाँ पे लगभग 30 मिनट्स का एक बैटरी टेस्ट करने वाला हूँ। सो अगर आप लोगों को एक्चुअल में जानना है कि आईफोन 13 में अच्छा बैटरी बैकअप मिलेगा या 14 में बैटरी बैकअप अच्छा देखने को मिलेगा, और अगर 14 में अच्छा भी मिलता है तो कितना अच्छा 14 में आपको ज़्यादा बैटरी देखने को मिलेगा आईफोन 13 के कंपैरिजन में, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा क्योंकि अपकमिंग बीबीडी सेल में बहुत सारे लोग यही दोनों फ़ोन के बीच काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज है कौन सा फ़ोन लेना चाहिए कौन सा फ़ोन नहीं लेना चाहिए। हालांकि दोनों फ़ोन में स्पेसिफिकेशन वाइज उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो आज हम लोग पता करने की ये कोशिश करेंगे कि दोनों फ़ोन में हमें बैटरी में क्या डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। सो फटाफट टाइमर को स्टार्ट करते हैं और 30 मिनट्स का कुछ डिफरेंट टास्क करते हैं। YouTube चला के देखेंगे, कैमरा चला के देखेंगे, 4K रिकॉर्डिंग करके देख सकते हैं हम लोग। तो डिफरेंट कुछ मैं टास्क करके देखूंगा। टाइमर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। बैकग्राउंड में यहाँ पे जितने भी एप्स है मैं फटाफट रिमूव कर देता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को दो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देता हूँ। दोनों का ही फोन यहाँ पे आप लोग देखो, दोनों ही फोन में फिलहाल अभी 80% बैटरी है और दोनों ही फोन को 80% चार्ज करने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि अब ये वाला फोन बढ़ जा रहा था तो कभी ये वाला फोन बढ़ जा रहा था, तो दोनों को मैं बहुत संभाल के यहाँ पे बैटरी जो चार्जिंग है वो 80% लेके आ गया हूं। तो इस बात पे वीडियो में लाइक तो जरूर बनता है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो मेरे पास आईफोन 13 है उसमें 99% बैटरी हेल्थ है, जबकि अगर आईफोन 14 की बात करें तो आईफोन 14 में अभी तक मेरा 100% बैटरी हेल्थ है। सो कुल मिला के 99% और 100% को आप मोर और लेस इक्वल मान के चल सकते हो। देख सकते हैं कि दोनों ही फोन में यहाँ पे ट्रू टोन ऑन नहीं है, तो सिमिलर ब्राइटनेस के ऊपर हम लोग टेस्ट करेंगे। बाकी कलर वगैरह का जो डिफरेंस आ रहा होगा वो मे भी दोनों ही फोन में स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है उसके कारण हो सकता है, या तो डिस्प्ले कैलिब्रेशन में यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। सो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। दोनों ही में 80% है और मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी ऑलरेडी आप लोग देख सकते हो 2 मिनट हम लोगों का हो चुका है। बैकग्राउंड में जितना भी यहाँ पे एप्स है मैं फटाफट रिमूव कर देता हूँ दोनों ही फोन में, और इसमें भी काफ़ी सारे एप्स ऑलरेडी ओपन होगा। सो इसमें भी मैं सारे के सारे जो एप्लीकेशन है उसको हटा दें। तो अब आप लोग देख सकते हो दोनों ही फोन में बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन फिलहाल रन नहीं कर रहा है। सो सबसे पहले हम लोग जो करने वाले हैं, दोनों ही फोन में 5 मिनट के लिए सिमिलर टाइप का यूट्यूब वीडियो प्ले करेंगे। दोनों ही फोन में सेम वाईफाई पे कनेक्टेड है, तो दैट्स मीन मोबाइल नेटवर्क का दोनों ही फोन में यूज नहीं हो रहा है। तो ये वाला जो वीडियो है वो 5 मिनट 14 सेकंड का है, तो उसके अकॉर्डिंग दोनों को हम लोग प्ले कर सकते हैं। बाकी टाइमर आप लोग देख सकते हो ऑलरेडी 5:52 है। यही वीडियो जब खत्म हो जाएगा ऑलरेडी 5 मिनट खत्म हो जाएगा। सो मैं 1x1 दोनों को प्ले करता हूँ, एकदम मिनिमम साउंड पे प्ले करता हूँ ताकि यहाँ पे वीडियो में कोई डिस्टर्बेंस ना आए। सो इसको मैंने स्टार्टिंग में लगा दिया और इसको भी मैंने स्टार्टिंग में लगा दिया। अब रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे दोनों को प्ले करूंगा। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2160 HDR पे 60 FPS पे ये प्ले हो सकता है, तो मैंने इसको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे लाके खड़ा कर दिया। तो आईफोन 13 राइट साइड में है मेरा, सो इससे आप लोगों को समझने में सुविधा होगी। सो यहाँ से भी सेटिंग जब चलेंगे और सेटिंग में जो हाइस्ट रेजोल्यूशन है यहाँ पे भी, सो 2160 60 पे हम लोग प्ले करेंगे। सो दोनों का ही यहाँ पे रेजोल्यूशन मैक्सिमम पे चल रहा है, और ब्राइटनेस की अगर बात करें तो दोनों का ब्राइटनेस मैंने इक्वल करके ऑलरेडी रखा है। बाकी टाइमर वगैरह चल रहा है। तो वीडियो यहाँ पे दोनों ही फोन में कंप्लीट हो चुका है, तो 5 मिनट का ऑलरेडी यूट्यूब वीडियो प्ले करने के बाद एक बार हम लोग देख लेंगे कि बैटरी यहाँ पे किस तरह से ड्रॉप हुआ है। हालांकि बीच में थोड़ा बहुत यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन जो है वो किसी फोन में रुक रुक के आ रहा था, किसी फोन में ठीक ठाक आ रहा था, लेकिन फिर भी टाइम जो लगा है दोनों ही फोन में सेम लगा है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो मेरे पास आईफोन 13 है उसमें 79% हो चुका है, और अगर हम लोग आईफोन 14 की बात करें सो आईफोन 14 में अभी भी आप लोग देख सकते हो 80% ही है। अब हम लोग दोनों फ़ोन में इंस्टाग्राम को चला के देखेंगे। सो दोनों ही फ़ोन का यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम ऑन कर लिया है, 16 मिनट हो चुका है, तो 21 मिनट तक आप दोनों ही फ़ोन में हम लोग इंस्टाग्राम चला के देखेंगे।
ऑलरेडी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 21 मिनट हो चुका है, तो लगभग यहाँ पे मैंने 5 मिनट दोनों ही फोन में इंस्टाग्राम को ब्राउजिंग कर लिया है। अब आप लोग देख लो बैटरी यहाँ पे किसका कितना ड्रॉप हुआ है। सो यहाँ पे जो मेरे पास आईफोन 13 है उसमें आप लोग देख सकते हो फिलहाल है 78%, और जो यहाँ पे मेरे पास आईफोन 14 है उसमें है 79%। तो लगभग इसमें भी 1% ड्रॉप हुआ है, इसमें भी 1% ड्रॉप हुआ है। इसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग। अगर हम लोग दोनों ही फोन में वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, सो मैं यहाँ पे 4K इसलिए ले रहा हूँ ताकि 4K में सबसे ज़्यादा यहाँ पे बैटरी कंज्यूम होता है। सो 4K वीडियो रिकॉर्ड करेंगे दोनों ही फोन में। सो आईफोन 13 में आप लोग देखते हो 4K 30fps मना हुआ है, इसमें भी मैं 4K 30fps कर दे रहा हूँ। दोनों फोन में रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो दोनों फोन में यहाँ पे 5 मिनट का जो 4K रिकॉर्डिंग है वो हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आई होप यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे यहाँ पे भी 5 मिनट हो चुका है और यहाँ पे भी 5 मिनट हो चुका है। अब दोनों को बंद करते हैं और देखते हैं कि दोनों फोन में यहाँ पे किस तरह का हमारा बैटरी जो है वो ड्रॉप हुआ है। सो सबसे पहले आप लोग आईफोन 13 को देखो जो कि मेरा राइट हैंड साइड में है। सो आईफोन 13 में अभी फिलहाल 75% हो चुका है, और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे आईफोन 14 में तो इसमें 76% है। अब हम लोग थोड़ा सा फोटोग्राफी करके देखेंगे, और ये जो फोटोग्राफी होगा ये एक्सट्रीम लेवल का फोटोग्राफी होगा। दैट मीन यहाँ पे हम लोग एक नहीं दो नहीं पूरे 600 फोटोग्राफी करेंगे दोनों ही फोन में। सो दोनों फोन में यहाँ पे हम लोग बस्ट फोटोग्राफी जो है उसको ऑन करके रखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों ही फोन में जो वॉल्यूम प्लस बटन है उसको क्लिक करके रखेंगे। उससे यहाँ पे दोनों ही फोन में जो आप लोग देख सकते हो ब्रस्ट फोटोग्राफी जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और ये तभी रुकेगा जब दोनों ही फोन में यहाँ पे लगभग 600 फोटो क्लिक कर चुका होगा, तभी यहाँ पे रुकने वाला है ये चीज़। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो धड़ल्ले से जो फोटो है वो फटाफट क्लिक होता ही जा रहा है, और ये जब तक कि 600 फोटो नहीं क्लिक कर लेता है तब तक ये रुकने वाला नहीं है। तो टोटल 600 फोटो में कितना ज़्यादा यहाँ पे बैटरी ड्रॉप होगा वो भी हमें पता चल जाएगा। ऑलरेडी हमें पहले से पता है कि आईफोन 13 में हमारा 1% कम बैटरी है और आईफोन 14 में 1% आगे चल रहा है। तो देख लेते हैं कि ब्रस्ट फोटोग्राफी के बाद यहाँ पे कौन सा फ़ोन का बैटरी हमें कितना कम देखने को मिलता है या तो ज़्यादा देखने को मिलता है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पूरा प्रोसेस, और इसी तरह का अगर आप लोगों को वीडियो देखना है और मेरा जो काम अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट से ही ये सारी जो चीज़ है वो कम्प्लीट हो पाता है। सो यहाँ पे भी देख सकते हो 600 फोटोग्राफ्स ऑलरेडी हमारा हो चुका है, इसमें भी आप लोग देख सकते हो 600 फोटोग्राफ्स ऑलरेडी होके रखा है। सो अभी फिलहाल आप लोग देखो आईफोन 13 में हमारा जो बैटरी है वो है 73% और आईफोन 14 में 75%। सो कुल मिला के एकदम जो ये है वो कांटे का टक्कर है। हालांकि दोनों ही फोन का यहाँ पे बैटरी जो है वो बहुत ही मिनिमम से डाउन हुआ है। ऑलरेडी मैं इस टेस्ट को कर रहा हूँ 34 मिनट से कंटिन्यूअसली, और यहाँ पे 80% से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, इसमें 73% हुआ है और 75% हुआ है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बैटरी बैकअप दोनों का ही मेरे हिसाब से किसी में ख़राब नहीं है, किसी में बहुत एक्सट्रीम नहीं है। सो थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि आईफोन 14 का जो बैटरी बैकअप है वो आपको लॉन्ग रन में भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो आफ्टर 35 मिनट 7% बैटरी ड्रॉप हुआ है आईफोन 13 में, और अगर हम लोग आईफोन 14 की बात करें तो आफ्टर 35 मिनट्स के बाद 5% बैटरी ड्रॉप हुआ है। तो ये था कंप्लीट वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।